17 के पहले मैं सांसद के रूप में देखता था, किसी गरीब की पेंशन स्वीकृत होती थी, वृद्धावस्था पेंशन हो या विधवावस्था पेंशन हो, 300 रुपए पेंशन के मिलते थे महीने में, और 300 में 6 महीने का पेंशन एक साथ उसके लिए आता था। उसमें जब वो जाता था बाबू के पास तो 1800 रुपए में से 500 रुपए पहले बाबू घूस लेता था। जनधन अकाउंट से कार्यक्रम की शुरुआत हुई। लोग उस समय क्या मानते थे, खाली खाता खोलने से क्या होता, लेकिन उनको मालूम ही नहीं कि खाता केवल खाली खाता ही नहीं था, ये हर व्यक्ति को 5000 के क्रेडिट की सुविधा भी देता था हर खातेदार को। और कोरोना जैसी महामारी के दौरान लोगों के लिए जीवन दान बने थे जनधन अकाउंट। 48 करोड़ से अधिक लोगों के पास पहली बार स्वतंत्र भारत में अपने अकाउंट थे। उत्तर प्रदेश में 8,42,00,000 परिवार पहली बार अपना अकाउंट बैंक में खोल पाए थे। मोदी जी ने उस गरीब के लिए खाता खुलवाया और फिर टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अब ये पैसा किसी बाबू के थ्रू नहीं जाता, डीबीटी से एक क्लिक किया, एक साथ 1 करोड़ लोगों के पास पेंशन की सुविधा जाती। आज हम 1 करोड़ परिवार ऐसे हैं जो वृद्धजन हैं, निराश्रित महिलाएं हैं या दिव्यांगजन हैं, 1 करोड़ उनको 1,000 रुपये महीने की हम पेंशन देते हैं, एक साथ क्लिक करते हैं, उनके अकाउंट में पूरा पैसा चला जाता है। अगर हमने यहां से 4 महीने में 4,000 रुपया दिया तो 4,000 रुपये उनके अकाउंट में जाते हैं। बीच में कोई मीडिएटर नहीं है, कोई पैसा नहीं मांग सकता है,